माई चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ब्लॉग लेके के आने वाली हूँ। एक्चुअली है क्या कि इस ब्लॉग के लिए मुझे भर भर के कमेंट आ रहा था कि दी इस पे बनाओ, भाभी इस पे बनाओ, आंटी इस पे कमेंट पे मेरे वीडियो बनाओ। तो हाँ, मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ वीडियो को एडिटिंग कैसे की जाती है। ये बहुत सारे लोगों का कॉमेंट था और मुझे भी लगा कि मुझे बताना चाहिए कि एडिटिंग ब्लॉग की कैसे की जाती है। और जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे ही आप लोग को बताऊँगी, कोई स्पेशल नहीं बताऊँगी। जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लॉग पे जो एडिटिंग होता है ना, वो अगर आप ना करो ना तो फिर ब्लॉग का मज़ा ही नहीं आता है। बिना एडिटिंग के ब्लॉग अट्रैक्टिव ही नहीं दिखता है, क्योंकि हमें ब्लॉग में बिना एडिटिंग ब्लॉग चाहे जैसे शूट करो और उसमें डाल दो तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ब्लॉग की एडिटिंग मैं कैसे करती हूँ, किस ऐप से करती हूँ, ये आप लोग को मैं बताऊँगी। और आप लोग अगर मेरी इस बात को मान लोगे ना, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी रही तो वायरल होने में कोई भी नहीं रोक सकता आप लोग को। तो प्लीज़ ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज़ हाँ, मैं आप लोग को बताऊँ कि लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी ब्लॉग शूट कैसे करते हैं, तो ये भी मैं आप लोग को इसी ब्लॉग में बताऊँगी, इसी वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि ब्लॉग को शूट कैसे किया जाता है। और आपको बता दें कि बिना लॉन्ग ब्लॉग के वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हो सकता आप लोगों का, क्योंकि मैंने बार बार बताया 4000 घंटा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तभी पूरा होगा जब तक आप लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड करोगे। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ बार बार कि लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालिए, ज़रूर डालिए, क्योंकि 4000 घंटा सिर्फ एक लॉन्ग वीडियो ही कंप्लीट कर सकता है, ना कि शॉर्ट्स। शॉर्ट्स को होते हैं 2-4 सेकेंड या आप कह सकते हो 50 सेकेंड का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ब्लॉग आप कितना भी छोटा डालोगे तो भी 10 से 12 मिनट का ब्लॉग होता है। 10 से 12 मिनट मीन्स अगर 100 व्यूज़ भी हमारे आ जाते हैं तो भी मेरा थोड़ा बहुत वॉच टाइम बढ़ जाएगा। चलिए फिर बात को घुमाते फिराते नहीं है, सीधे अपने काम पर चलते हैं। तो चलिए फिर फटाफट हम बताना आपको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का मैं रिप्लाई ये दूँगी दी वीडियो कैसे शूट किया जाता है। तो चलिए आज मैंने मोबाइल लिया है और आप लोग को बताने के लिए ही कि वीडियो कैसे शूट किया जाता है। देखिए वीडियो कभी भी ऐसे शूट नहीं किया जाता, ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। वीडियो जो शूट करने का सही तरीका ऐसे होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल निहाल फ्लो ब्लॉगर। ये है वीडियो शूट करने का सही वे, ना कि हेलो एवरीवन। अगर आप इस तरीके से शूट करोगे तो आपको एडिटिंग करने में भी बहुत इजी होगा। और अगर आप मोबाइल गिर गया होता अभी तक, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर एडिटिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो को शूट करने के लिए हमें हमेशा इस वे में रखना चाहिए, लैंडस्केप मोड होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग देखिए वीडियो ऐसे भी शूट करते हैं, एक्चुअली मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे मेरा हैंड पूरा या तो ऐसे होता होगा, मैं ऐसे फिर तुरंत वो अपने फेस पे अटैक कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं, बट मैं उस तरीके से अपने आप को गुड फील नहीं कर पाती हूँ ब्लॉग अपलोड करने में, तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? ऐसे ही मैं करती हूँ और आप लोग भी ऐसे ही किया करो थोड़ा सा। और एक चीज़ बताऊँ, ऐसे वीडियो करने में लॉन्ग वीडियो के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट वीडियो के लिए होता है, मिनी ब्लॉग्स के लिए होता है, बट लॉन्ग के लिए ऐसे ही होता है। और ऐसे कुछ दिन जब आप करने लगोगे ना तो बहुत कंफर्टेबल फील होने लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोबाइल ऐसे पकड़ने में ये दर्द होता है, बाकी कुछ ऐसा होता नहीं है, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि वीडियो हमें लॉन्ग कैसे शूट करना है। लॉन्ग वीडियो हमें शूट करने के लिए हमेशा लैंडस्केप मोड पर मोबाइल रखना होगा, शॉर्ट के लिए ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो आज आप लोग को ये चीज़ पता चल गई होगी। अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं और आपको बताते हैं कि शॉर्ट, अरे हाँ, मैं किस ऐप से वीडियो एडिटिंग करती हूँ और क्या क्या एडिटिंग मैं करती हूँ, तो सब कुछ आप लोग को शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मोबाइल ले आते हैं अपने हाथ में और आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखाते हैं। और बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है बस आपको उतना ही एडिटिंग करना चाहिए। तो जो जो मैं करती हूँ मैं वो आज आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी सब कुछ पता चलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं पता चलने वाला भाई। अगर वायरल होना है तो मेरे इस ब्लॉग को देखो और खूब ज़्यादा वायरल हो जाओगे आप। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर हमने अपने मोबाइल के स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरा काइन मास्टर कहाँ है। काइन मास्टर मेरा ये है, आप लोग देख सकते हैं पास से काइन मास्टर। वैसे मैं आप लोग को बता दूँ मेरे पास इतने सारे ऐप हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, और वीएन है, वीटा है, और काइन मास्टर है, यूकट है, एंड इन शॉर्ट है। पर मैं वीडियो किससे एडिटिंग करती हूँ, इन शॉर्ट से,
मैंने इनसॉर्ट ओपन कर दिया, आप लोग ध्यान से देखिएगा भाई, कोई बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो इनसॉर्ट में आप आ जाओगे वीडियो पे, ठीक है। मैंने वीडियो क्लिक कर दिया, फिर इसके बाद ये सब हमारे ड्राफ्ट के वीडियो हैं, बट मैंने ये सारी वीडियोस को मैंने डिलीट कर दिया है, तो इसलिए आप न्यू पे आ जाओगे, ठीक है। मेरे मोबाइल में ऐसे कोई वीडियो है नहीं तो आप लोग को मैं दिखाती। चलिए मैं आप लोग को बस ऐसे ही दिखा देती हूँ कौन कौन से मैंने ये ले लिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये ले लिया है, ये ले लिया एंड ये ले लिया, ये ले लिया सारी चीज़। जैसे ऐसे ही मैं मतलब आप लोग को दिखाने के लिए सारे वीडियो ले ली, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस टिक मार्क पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो टिक है आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सारे वीडियोस आ जाएंगे। देखिए मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ ना कि ये मतलब ये वीडियो इस तरीके से हम लोग को अपलोड नहीं करना है, हम लोग को हमेशा वीडियो लैंडस्केप मोड पे लेना है। और ये तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए की हूँ, अगर लैंडस्केप मोड पे वीडियो रहेगा तो आगे चल के भी रुके दिखाती हूँ। लैंडस्केप मोड पे वीडियो शायद नहीं है मेरे मोबाइल में क्या। हाँ देखिए, चलिए मैं इसी वीडियो से आप लोग को बता देती हूँ, बाकी सारे वीडियोज़ को मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ने देखा कि ये जो हमारा वीडियो है ये लैंडस्केप मोड पे है, ठीक है। ऐसे ही हमको लेना है वीडियो, जैसे हमने अभी आप लोग को बताया थोड़ी देर पहले, ऐसे ही वीडियो लेना है। मैं इसमें अब क्या क्या करती हूँ चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में मैं इसमें पहले तो एक ये ऐड करती हूँ, जो आप लोग के सामने सारी चीज़ आज मैं क्लियर बताऊँगी। मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी, जो मैं वीडियो में अपने डेली अपडेट करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं ये डालती हूँ, ठीक है। और ये मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोग के लॉन्ग वीडियो मेरे देखने को मिलेगा। इसको मैं क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ कि ये है क्या। तो ये वेलकम टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं इस पर क्या करती हूँ, म्यूज़िक ऐड करती हूँ, क्योंकि इस पर बिना म्यूज़िक के अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं म्यूज़िक पर ऐड करती हूँ। ये रहा म्यूज़िक, एक मिनट आप लोग रुकिए, थोड़ा स्क्रीन को क्लीन करते हैं हम। तो आप लोग ने देखा कि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है म्यूज़िक इफ़ेक्ट एंड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का भी अभी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो आप यहाँ म्यूज़िक पे आ जाइए, ठीक है। इसमें माय म्यूज़िक दिया हुआ है, तो आप इसमें कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस वेस्टलैंड वाइब्स जो भी। अब वो आप ऐड कैसे करेंगे देखिए मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे सारे ब्लॉग में तो म्यूज़िक लगाना नहीं है, तो मुझे यहाँ से इस पर क्लिक करके स्प्लिट कर देना है, यहाँ पे स्प्लिट है। और उसके बाद अदर ब्लॉग पे जो म्यूज़िक चला गया है मैं उसे डिलीट कर दूँगी। बाकी आप लोग ने देखा यहाँ म्यूज़िक सेट हो गया। अब हम आ जाते हैं सीधे ब्लॉग पे। ब्लॉग में अब मैं क्या क्या करती हूँ सिर्फ आप लोग को ये बता देती हूँ। देखिए ब्लॉग में कभी भी स्टार्ट होने से पहले हमें एनिमेशन यूज़ करना चाहिए। एनिमेशन आप लोग यहाँ पे खोजिए, देखिए आपको अभी मिलेगा एनिमेशन, ठीक है। ये है एनिमेशन, हमेशा ब्लॉग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें एनिमेशन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैंने ये लगा दिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब जब ब्लॉग, जैसे मैंने ये लगा दिया, ब्लॉग की जो एक एंट्री होती है ना वो इसी तरीके से होनी चाहिए जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोग को क्या करती हूँ, इसमें देखिए ब्लॉग की बहुत ज़्यादा ब्लॉग अगर लंबा होता है तो मैं इसका क्या करती हूँ, स्पीड बढ़ा देती हूँ। देखिए यहाँ पे स्पीड 1 पे रहता है, हमेशा हमें 1.234 पे ऐसे करके कुछ ले जाना चाहिए, जहाँ पे हमारा 1.8 से ज़्यादा हमें स्पीड 1.8 से ज़्यादा स्पीड हमें नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ स्पीड इसलिए रखा जाता है कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो बीच में अपने आप ही एडिटिंग होके वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ब्लॉग की वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। जैसे वॉल्यूम कभी कभी ऐसा होता है, देखिए मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है। अब आप लोग को मैं ये बता देती हूँ, चलिए अभी फ्रंट कैमरे से बात करते हैं फिर। हाँ तो गैस, आप लोग को हमने बताया ना कि जैसे कि स्पीड की बात होती है, स्पीड तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने स्पीड के बारे में क्या बताया है। इसके बाद हमने बताया था वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किचन में खाना बना रहे होते हैं और हम वीडियो शूट करते हैं, तो जैसे जब आप वीडियो शूट करते हो तो उसमें बाहरी आवाज़ बहुत ज़्यादा हौच पहुँच आती है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं रहती है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम को पूरा बंद करके जीरो पे कर देना चाहिए। जीरो पे करने से ये होता है, जैसे सब्ज़ी हमने छौंका तो हमने कुछ बोला छन्न से उस पर आवाज़ आई, तो मेरी वॉइस तो क्लियर होगी नहीं, तो इसीलिए हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, वीडियो को म्यूट कर देना चाहिए, हमको वॉइस ओवर कर देना चाहिए वहाँ पे। तो वॉइस ओवर हम कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं कि वॉइस ओवर कैसे किया जाता है।
चलिए देखिए आप लोग की वॉइस ओवर कैसे किया जाता है। वॉइस ओवर करने के लिए हमें म्यूज़िक पे ही जाना होगा और यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जिस भी ब्लॉक के पास वॉइस ओवर करना है वहाँ पे ऐसे हम रख लेंगे, इस लाइनिंग को वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस रेड बटन को हम क्लिक कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए देखिए ये रिकॉर्ड हो गया, मुझे उतने पे ही बंद कर देना, उससे ज़्यादा मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। तो मैंने उतना करके फिर यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक कर दिया। अब इसको आप लोग सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। चलिए देखिए, ये तो म्यूज़िक लगा दिया था हमने, आप लोग ने देख लिया, ठीक है। और मुझे क्या है, आवाज़ जैसे हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो हमें उस पूजा वाले मंदिर में जो आवाज़ हमने की उसको बंद करना होगा, ठीक है। मैंने उसको वॉल्यूम को जीरो कर दिया। अब मेरी आवाज़ आप लोग सुनिए तो काफ़ी अच्छी आप लोग को सुनने को मिलेगी। ये देखिए, तो कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए देखिए, ठीक है। तो आप लोग को ये भी पता चल गया कि मैं क्या बताई आप लोग को, मैंने बता दिया एनिमेशन यूज़ करती हूँ मैं हर ब्लॉग में, अपने एनिमेशन यूज़ करती हूँ, ये है। स्पीड यूज़ करती हूँ, वॉल्यूम यूज़ करती हूँ और म्यूज़िक यूज़ करती हूँ। म्यूज़िक आप लोग को मैंने बताया ये है, और उसके बाद मैं फ़िल्टर कभी नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे फ़िल्टर लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, जो चीज़ें नेचुरल दिखाना। अब जैसे कभी क्या होता है कि ब्लॉग को बीच से एडिटिंग करनी होती है कि यहाँ गलत आवाज़ आ गई है, हमें इसको एडिट करना है, तो आप उस एरो को वहीं पे रख दीजिएगा, ठीक है। पास से आप लोग समझ ली, उस और एरो को वहीं पे रख दीजिएगा। उसके बाद आप स्प्लिट कर देना, ठीक, वो कट हो जाएगी। वो देखिए कट हो गया, हो गया। अब आपको जैसे इधर से वो इधर से जो वीडियो है उसको हटाना है, तो आप इस ऐसे क्लिक करके और साइड से ऐसे ऐसे करते जाओगे, धीरे धीरे वो हट जाएगी और आपका ये देखिए वीडियो हट गया। और कभी कभी ऐसा होता है, देखिए एक चीज़ और आप लोग को बताना है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग घर से वीडियो शूट करते हैं, घर से वीडियो शूट करते हैं और डायरेक्ट हम बाहर निकल के ही वीडियो बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग घर से ही वीडियो शूट करते हैं और घर से ही हम बोलते हैं कि हाँ गाइस आज हम घर से बाहर निकलने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं, और बीच में हम कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम कहीं जाते हैं वहीं का वीडियो बनाते हैं। तो उस वीडियो को बनाने के लिए हमें अट्रैक्टिव क्या करना होगा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को हमें क्या करना होता है वीडियो एडिटिंग में, तो चलिए आपको वो भी बता देते कि क्या करना होता है। आज आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं अपनी एडिटिंग के बारे में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसलिए आप लोग भी खुश हो जाओगे कि अच्छा हुआ जैसे आप एडिटिंग करती हो हमें भी बता दियो। तो चलिए पहले उसको बता देते हैं कैसे क्या करना चाहिए, कि मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप देखोगे कई सारे ब्लॉग्स हैं, जैसे ये मैं घर से पहले का ब्लॉग बनाई हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं घर से बाहर निकल गई, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, एनिमेशन यूज़ कर लोगे, क्योंकि एनिमेशन इस यहाँ पर यूज़ करने पर पूरा ब्लॉग का जो होता है लुक ही बदल देगा, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देगा ना, क्या बताएं। एनिमेशन पे क्लिक करो और आप इसमें से देख लोगे कौन सा आपका लगाने का मन है, इन इन वाले में आपको लगाना होगा, ये भी मैं बता दे रही हूँ। जैसे मेरा मन किया कि मैं ये लगा लेती हूँ। अब ये देखिएगा आप लोग कि ब्लॉग कितना अच्छा लगने वाला है, ये ध्यान से देखिएगा, बाद में ये नहीं कहिएगा कि दी मुझे समझ में नहीं आया। जैसे देखिए मैंने ये लगा दिया, आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। एनिमेशन देखिए ये वाला आप लोग को मैंने लगाया था ना, ये देखिए आप लोग देखिए ये हार्ट में आया, तो काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब इससे लोगों को क्या है कि जैसे ये तो घर का यार बाहर से गई है, देखिए क्या हो सकता है इसमें, तो ये सारी चीज़ें होती एनिमेशन में। अब आपको स्टार्टिंग से एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि मैं म्यूज़िक यूज करती हूँ, जिसमें म्यूज़िक में आप समझ सकते हो स्टार्टिंग के, जैसे आप जो थोड़े बहुत लोगो रखते हो ना उसमें आपकी म्यूज़िक यूज हो सकती है। एंड रिकॉर्डिंग क्या होता है मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग तभी आपको यूज़ करना है जब आपका वॉइस ओवर करने का मन है, तो बस आप इस रिकॉर्ड पर क्लिक करो और यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दो 1, 2, 3 के, ये 1 के बाद सीधे आ जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दो जहाँ तक आपको रिकॉर्डिंग रखनी है, बस उतना ही आपका होना चाहिए, ज़्यादा होने पे आप डिलीट कर सकते, स्प्लिट करके फिर डिलीट करोगे, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग ने समझ लिया। उसके बाद मैं बताऊँ, स्टिकर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, टेक्स्ट तो कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं कि हमें यूज़ करना है। फ़िल्टर मैं कभी नहीं यूज़ करती हूँ, कभी भी नहीं, जो चीज़ नेचुरल है आप उसे दिखाइए, फ़िल्टर कभी यूज़ मत करिए। बाकी स्प्लिट है, स्प्लिट का मतलब हमने बता दिया है, किसी ब्लॉग को बीच से अगर एडिट करना है तो स्प्लिट दबा दो, एडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया सीधे वॉल्यूम।
वॉल्यूम किसी भी ब्लॉक का जैसे हमें बढ़ाना है, जैसे इसका वॉल्यूम हमें बढ़ाना है तो ये देखिए वॉल्यूम मैंने 0 पे रखा है, फुल कर सकते हैं आप, फुल हमने नहीं किया है। और वॉल्यूम कम तब करना होगा जब आपको बंद करना होगा, जब आपको वॉइस ओवर करना होगा तो आपको वॉल्यूम बंद करना होगा। बैकग्राउंड कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, जो आपका रियल बैकग्राउंड है आप वही दिखाइए, बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज ना करिए। स्पीड हमने बताया कि स्पीड का मतलब ये होता है, क्योंकि ब्लॉग अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप उसको स्पीड को 1.9 तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। स्पीड का काम बस यही होता है। एनिमेशन आप लोग को मैंने बता दिया, एनिमेशन आप लोग के ब्लॉग को ज़्यादा, जैसे आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को और बहुत अट्रैक्टिव लगता है अगर आप एनिमेशन यूज़ करोगे तो एनिमेशन इसीलिए होता है। बाकी सारी चीज़ें अब हम कुछ भी नहीं यूज़ करते इसमें, आप लोग को बता दें, और कुछ भी हम यूज़ नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें यही है ब्लॉग में। तो चलो यार, लास्ट चीज़ तो मैं आप लोग को बताना भूल गई कि ब्लॉग को फिर कैसे अपलोड करते हैं ना, तो सॉरी यार, चलिए फिर एक बार आपको बता ही देते हैं कि ब्लॉग को कैसे अपलोड करते हैं। हमें लगा आप लोग को पता चल चुका होगा, बट नहीं, ये भी हमें बता देना चाहिए कि ब्लॉग को एडिटिंग तो बता दिया, ब्लॉग को शूट करना बता दिया, तो ब्लॉग को हम कैसे लास्ट में उसको अपलोड करेंगे इन शॉर्ट से, तो चलिए फटाक से पहले ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है। फिर जैसे आपका ब्लॉग पूरा फिनिश हो चुका है, बन चुका है, ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट हमें देखिए यहाँ पे कई सारे, देखिए इन शॉर्ट पे हमेशा आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ इन शॉर्ट लिखा रहता है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं कि आप पे इन शॉर्ट्स ना दिखे, तो ये फ्री रिमूव होता है। देखिए इस पर फ्री रिमूव पे आप क्लिक कर दोगे, थोड़ा टाइम लगता है बट वो फ्री रिमूव हो जाएगा कि फ्री रिमूव हो रहा है, ठीक है। जब ये फ्री रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर आपको कट का निशान दिखेगा यूँ, अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो ऐसा है ना कि वाइट वाइट है आप, हाँ देखिए अब आपको यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा हुआ नहीं दिखेगा। थोड़ा इसका, इससे रहने से थोड़ा इसका गलत असर पड़ता है, लोगो नहीं रहना चाहिए, इसे वीडियो अच्छी नहीं लगती है। फिर हम आ जाएंगे सीधे इसको डाउनलोड करने पे, तो मुझे एक्सपोर्ट करना है। अब आप लोग को सबसे बड़ी चीज़ बताएं, एक्सपोर्ट होता है जो वीडियो हमें अपलोड करना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 100, और ऐसे कर देते हैं थोड़ा शायद क्लियर हो जाए, हाँ ऐसे 180p पे हमें वीडियो अपलोड करना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए फिर से ऐड आ जाता है, इसको हमें क्लोज़ करना है और हमारा वीडियो कन्वर्टिंग वीडियो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे होता है वीडियो अपलोड। तो फाइनली गाइज, आप लोग को हमने आज समझा ही दिया कि ब्लॉग एडिटिंग कैसे करते हैं, अब आप लोग के मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि ब्लॉग एडिटिंग कैसे किया जाता है। देखिए ब्लॉग एडिटिंग करना, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत हॉच पॉच नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है, एडिटिंग नाम है उसका, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें एडिटिंग करना होता है, जैसे वॉइस क्लियर करने के लिए वॉइस ओवर हमें करना है, कहीं अगर गलत वीडियो है उसको एडिट कर करके हमको थोड़ा टाइम तो देखिए लगता है, क्योंकि ब्लॉग एडिटिंग का मतलब ही क्या है कि मेरा अगर 15 मिनट का ब्लॉग है तो मुझे 5 मिनट, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो 2-4 मिनट में तो करके अपलोड कर देते हैं, जो स्टार्टिंग में होते हैं थोड़ा उनको दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, करते करते वो भी सारी चीज़ें आने लगती है कि कैसे ब्लॉग एडिटिंग किया जाता है, क्या होता है। तो आज हमने सब आप लोग को बता ही दिया कि ब्लॉग एडिटिंग कैसे होती है और ब्लॉग को हम शूट कैसे करते हैं। अब आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर फिर से आप लोग को ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भर भर के कॉमेंट किया करिए कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है ब्लॉग एडिटिंग में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं उसका वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोग को उससे हेल्प मिल सके। समझ में आ गई मेरी सारी बात। इसी तरह मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की एडिटिंग, मुझे टाइम तो अब बहुत ज़्यादा अब तो नहीं लगता है, जल्दी ही कर लेती हूँ, कभी कभी खुद से लेजी बन जाती हूँ तो इसलिए एडिटिंग नहीं करती हूँ ब्लॉग का। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर मेरे इस तरह बताए हुए से वीडियो अगर आप अपलोड करते हो तो सच यार बता रही हूँ, आपको वायरल करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे कहे हुए पे ही वीडियो को एडिट करना सीख लो और आपके वीडियो वायरल हो के रहेंगे। अब ये नहीं है कि बस आज कह दिया तो 2 वीडियो वायरल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे एडिटिंग आप करने लगे तो आपके वीडियो को वायरल होने में कोई नहीं रोक सकता है। तो सबको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और ये अपने फ्रेंड्स और अपने चाहने वाले लोगों को, अपने फ्रेंड्स लोग को मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जो कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।